न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रभारी मंत्री ने किया ऋण वितरण। लाइव डेमो में राष्ट्रपति ने कहा छोटे उद्यमियों को यूपी सरकार दे रही है बढ़ावा। स्क्रैच कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 9 गिरफ्त में एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। मुख्यमंत्री के विकास कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न योजनाओं का कमिश्नर ने की समीक्षा। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में बाढ़ सुरक्षा दृष्टि के तहत प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दी कमिश्नर कोल्ड बार एसोसिएशन ने किया नवागत अपर आयुक्त का स्वागत। कहा बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करके किया जाएगा मुकदमों का निस्तारण। बिस्टौली के ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने किया कार्य बहिष्कार। दिया विकास भवन परिसर में धरना। अपर महाप्रबंधक रेलवे की अध्यक्षता में संपन्न हुई रेल परिसर में महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों पर की समीक्षा बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ प्रांतीय छात्र नेता सम्मेलन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन की बनाई गई रणनीति। बजरंग दल द्वारा 13 अगस्त को मनाया जाएगा अखंड भारत संकल्प दिवस। बजरंग दल के दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतवासियों को 15 अगस्त को मिली आजादी थी अधूरी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। कहा आश्वासन की घुट्टी से नहीं बनेगी बात। सभी धर्म के दलित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति आरक्षण के लाभ सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। और दूसरे दिन भी जारी रहा अखिल भारतीय वर्षीय गौड़ महासभा का धरना। धुरिया गौड़ जाति ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का किया मांग।